स्ट्रेस ऑलवेज हर जगह प्रेजेंट रहता है, जिसका क्रेडिट हमें हमारे लाइफस्टाइल को ही देना चाहिए। चाहे हम लोग जितना भी ट्राई करें अपनी लाइफ में से स्ट्रेस लाने वाली थिंग से दूर रहना या इग्नोर करना, हम कर ही नहीं पाते और रिजल्ट के मुताबिक हम लोग पर आने वाले स्ट्रेस पाइल अप होने लगते हैं, जिसके कारण पैनिक अटैक्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे ये वीडियो है कि हम पैनिक अटैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद आपके बॉस ने आपको आज बहुत चिल्लाया होगा क्योंकि आपके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, या फिर ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, और शायद ऐसा एक और मोमेंट के बाद आपको पैनिक अटैक के जरिए ट्रिगर हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में शायद आपको नहीं मालूम कि आप क्या करें। ऐसे सिचुएशंस में प्रॉपर मेडिकेशंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पैनिक अटैक्स को अवॉइड कैसे करें? वेल, पैनिक अटैक्स बहुत चैलेंजिंग और डिसरप्टिव हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या स्ट्रेस में लाता है और उस चीज या फिर उस सिचुएशन को आप अवॉइड करें। अगर आपको स्टार्ट से भी एंजाइटी है तो उसे भी ट्राई करें अवॉइड करना। सही मात्रा में खाना। आपके डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, उसे दूर रखने के लिए खाना खाना जरूरी है। बहुत रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि सही से खाना आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस कर सकते हैं। ईट राइट एंड एम फॉर अ बैलेंस्ड डाइट। आप ऐसे फूड ना खाएं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको करेला नहीं पसंद तो स्ट्रेस में करेले से दूर ही रहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड कैफीन। ये सब इंटेक करने से आपकी बॉडी में हेल्थ पर और भी स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग से स्ट्रेस रिलीफ होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर स्टिम्युलेंट्स। इन सब का इफेक्ट कुछ देर के लिए काम करेगा, बट फिर आपका इमोशनल स्टेट और स्लीप एकदम मेस्ड अप हो जाएगा। अपने सोचने का तरीका बदलिए। अगर आप सोचने लगे कि आपको नेगेटिव ही नहीं सोचना, तो आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट से दूर रह सकते हैं। हम लोग कुछ इंसिडेंट्स के बाद अपने ब्रेन में कुछ पॉसिबिलिटीज सोचते हैं कि शायद कुछ और रिएक्शन कर दिया होता, शायद कुछ और बोल दिया होता, तो इस वजह से आप कुछ बराबर सोच नहीं पाते। और स्टडीज ने भी ये ढूंढा है कि 98% हम हमेशा किसी भी इंसिडेंट का नेगेटिव सॉल्यूशन ही सबसे पहले सोचते हैं। तो अगर आप अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर शिफ्ट कर दे तो 50% तो स्ट्रेस आपका उधर ही कम हो गया। अपने बॉडी का ध्यान रखिए। आप आपकी बॉडी को फिजिकली केयर करें तो आपको भी स्ट्रेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज रेगुलरली। ये प्रूव्ड है कि स्ट्रेस बस्टर और मूड अप करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एटलीस्ट 2 आवर्स तक जरूर एक्सरसाइज करें। ट्राई योगा, ताई ची एंड अदर स्लो पेस्ड एक्टिविटीज। कहते हैं कि सबसे बेस्ट और पॉपुलर स्ट्रेस बस्टर है योगा, क्योंकि आपके अंदर पीस लाता है और आपकी एंग्जाइटी भी कम होती है। डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लर्न करें आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। दिन में 2 से 3 बार जरूर करें आपकी ब्रीदिंग की स्पीड को कंट्रोल करना। गेट इनफ स्लीप। स्लीप वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है और प्रोडक्टिव भी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टेक्निक्स जो आपको स्ट्रेस बस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं और आपको पैनिक अटैक से भी बचा सकते हैं। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।